सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोली धन्यवाद जी। आज का टॉपिक है जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना ही मुक्ति है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही होता है कि परमात्मा की जानकारी, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म को जान लेना और परमात्मा को जानकर परमात्मा के साथ में जुड़ जाना, यानी जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना। तो हमें जब ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है तो यही बात समझाई जाती है कि हर पल, हर घड़ी, हर कार्य व्यवहार करते हुए परमात्मा के साथ में हमें कनेक्ट रहना है। अगर हम अपने सारे काम धाम करते हुए, दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, हर पल हर घड़ी परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, परमात्मा की याद बनी हुई है, तो फिर जीते जी हम मुक्त हैं और सतगुरु हमें जीते जी मुक्ति देते हैं कि जीते जी मुक्त हो जाओ। यानी जब ब्रह्म निराकार के साथ मन का कनेक्शन होता है तो फिर सारी चिंताएं अपने आप मिट जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा ये जानते हैं कि ये ब्रह्म है, ये निराकार है, यही सब कुछ करने वाला है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, ये परमात्मा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो परमात्मा जो चाहते हैं वही वही होता है। तो ब्रह्म ज्ञान के बाद ये बात समझ में आती है, ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा इस बात को बखूबी जानते हैं कि हो ये सोई जो राम रचि राखा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, फिर चिंता किस बात पर, जब हर घटना हर चीज परमात्मा की मर्जी से हो रही है तो फिर संत महात्मा चिंता मुक्त होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं। और चिंता मुक्त हो जाना ही सही मायने में मुक्ति है। अगर हमें टेंशन है, हम चिंता में हैं, संसार की सोच विचार कर रहे हैं, माया के बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब कि हम बंधन में हैं। अगर हमारा मन इस माया के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर हम टेंशन में हैं, क्योंकि माया से अटैचमेंट के कारण ही दुख होता है, टेंशन होता है। तो दुख, मुसीबत, चिंता, परेशानी का कारण है कि बंधन, माया के साथ में बंधन, माया के साथ में आसक्ति। तो जब हम सदगुरु के दरबार में जाते हैं, संतों का संग करते हैं और हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो सदगुरु हमें जीते जी मुक्त करते हैं, सारे बंधन तोड़ देते हैं, बंधन तोड़ मिलाए राम। सदगुरु समझाते हैं कि जो दिसे सो सकल विनाशे जीव बादल की छाया, कि जो भी दिख रहा है सब नश्वर है, सब मिटने वाला है, जो बना है वो बिगड़ेगा। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख दरअसल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का, ये तीनों भी मिट जाएंगे, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये नौ वस्तु दृष्ट मान है, कहते जिनको माया है, दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा, इनके बीच समाया है। यह सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार, कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते हैं निरंकार। तुही निरंकार किए जा, गीत जी के गाए जाए, कि बेकार की सोच, वृथा की सोच से बाहर उठना है। और जब ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बाद केवल निराकार के बारे में ही सोचते हैं।
तो सदगुरु यही बात समझाते हैं, केवल निरंकार के बारे में सोचो, निरंकार की याद करो, निरंतर सत्संग सेवा सिमरन करते रहिए। जितना ज्यादा सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, तो उतना ज्यादा हम ब्रह्म निराकार के करीब रहेंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ब्रह्मलीन मतलब ब्रह्म निराकार में खो जाना, जीते जी खो जाना, जीते जी मुक्त हो जाना। तो इसीलिए हमें शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी समझाते हैं संपूर्ण अवतारवाणी सत्संख्या 279 में कि बंदे काहे वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर पानी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो यह कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो यह कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जाए। कि गुरु से मिलकर इस निराकार के बारे में सोचो विचारो, संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो, वचन गुरु का रख कर दिल में एके का आधार धरो, और जतन है सारे झूठे झूठे और सभी उपचार, दुनिया से मन मोड़ो अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का कर्ता धरता यह खालिक दातार भी है, इसका पल्ला पकड़ो मानव यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने वही बनता साहूकार, अवतार उसे मिले कहे अवतार या उसे मिले जो दास बने इसका एक बार, जो इसका दास बन गया है, गुरु का गुलाम हो गया है, वही जीते जी ब्रह्मलीन हो गया है। तो इस निराकार जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है इसके बारे में सोच विचार करने के लिए कहा जाता है, लेट गॉड डेल इन द माइंड। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक की याद ना आता है। यानी ज्ञान लेने की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये बात समझ में नहीं आती है कि जग का मालिक कौन है, प्रभु परमात्मा कौन है। तो ये सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान होता है, हमें इस निराकार का बोध कराया जाता है, ब्रह्मानुभूति कराई जाती है सदगुरु कृपा से। और जो सदगुरु के दरबार में आता है, संतों का संग करता है, उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और वो जीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो प्यारी सात संगत जी, हम निरंतर सेवा सत्संग सिमरन करते रहें, प्रभु की याद में हर पल बिताएं, कर से कर्म करो विदाना और मन रखो जा कृपा निधाना। सात संगत जी प्यार से बोले धन्यवाद जी।